हाय वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 सिंपलीफाई। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस दिए हुए हैं बहुत सारे, ठीक है। वी विल सॉल्व ऑल दीज एंड हम यहाँ पर इनको सिंपल करेंगे, ठीक है। सिंपलीफाई मींस सिंपल कीजिए, आसान कीजिए। तो ये एक्चुअली कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, तो कॉम्प्लेक्स से हमें सिंपल करना है। तो इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे फैक्टर्स को। मल्टीप्लाई करने के बाद जो लाइक टर्म्स मिलेंगे उनको एक साथ सॉल्व करेंगे और उसके बाद आपको सिंपल एक्सप्रेशन मिल जाएगा। ओके, तो लेट अस सॉल्व वन बाय वन। वी हैव, सो लेट अस मल्टीप्लाई फर्स्ट हियर 2x² इनटू एक्स क्यूब। यहाँ पर 2x² से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में, दोनों टर्म्स में। देखिए यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो यहाँ पर हमने माइनस कर लिया क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। सो लाइकवाइज हम सब में कर देंगे। यहाँ देख सकते हैं आप कि यहाँ माइनस टू था यहाँ पर और 3x² जो मैंने मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा यहाँ पर, और 2 × 3x², तो मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर 2x⁵ हो जाएगा ये, ठीक है। 2 × 1 2 ही रहेगा, x⁵। केवल पावर्स को हम ऐड कर देते हैं सिमिलर वेरिएबल्स के, माइनस यहाँ भी हम पावर्स को ऐड कर देंगे 2x³, माइनस यहाँ पर भी पावर ऐड करेंगे तो 3x⁵ माइनस 3×2 = 6 x² माइनस 2x⁴ प्लस 3×2 = 6 x² राइट। तो अब यहाँ पर हम लाइक टर्म्स को एक साथ लिख लेंगे। सो आप देख सकते हैं कि हमने लाइक फैक्टर्स को, लाइक टर्म्स को एक साथ कर लिया है यहाँ पर। तो x⁵ वाले जो टर्म्स हैं उनको एक साथ कर लिया, और यहाँ पर देखिए x² वाले टर्म्स दो हैं बस, तो हमने एक साथ कर लिया है। और x⁴ x⁴ हमने अरेंज कर लिया है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो आप भी ऐसा करेंगे क्योंकि आंसर आपका इसी फॉर्मेट में दिया रहेगा। सो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 2x⁵ माइनस 3x⁵, तो केवल हम कांस्टेंट को सॉल्व करते हैं। तो 2 − 3 करेंगे तो माइनस में मिलेगा −1, तो −1 को लिखने की जरूरत नहीं है, x⁵ बस यहाँ पे लिख दीजिए, इतना हो गया। फिर ये −2x⁴ माइनस 2x³। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा −6x² है, यहाँ पर +6x² है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो इट विल बी 0 − 0। सो दिस इज योर आंसर फॉर दिस वन, फर्स्ट वन, एंड दिस इज योर सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ दिस एक्सप्रेशन। नाउ द सेकेंड पार्ट, सबसे पहले इसको हम एक बार लिख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे इन दो फैक्टर्स को, और इन दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसके बाद देखेंगे लाइक टर्म्स कौन कौन है उनको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। देखिए यहाँ प्लस साइन है +2xy एंड x³ यहाँ पर प्लस में है, सो प्लस ही रहेगा। नाउ यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस आ जाएगा। तो हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया, तो अब यहाँ एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। एक्स के पावर्स को हम ऐड कर देंगे क्योंकि यही सेम है, तो ये हो जाएगा 5y, ठीक है, माइनस यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 2 × 1 2 ही रहेगा कांस्टेंट्स। एंड वेरिएबल्स को देखिए x³ एंड x, तो ये आ जाएगा x⁴। पावर्स को ऐड कर दीजिए बस, y का कोई वेरिएबल दूसरा नहीं है, तो y को एज इट इज हम उतार देंगे। प्लस यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए 2 × x⁴ हो जाएगा 4 × y, माइनस यहाँ पर देखिए 2x⁵ हो जाएगा 5y। ओके, तो हमने यहाँ सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं कि लाइक फैक्टर्स हैं क्या यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दो टर्म्स जो हैं ये लाइक टर्म्स हैं, तो ये दोनों प्लस माइनस में हैं, अपोजिट साइंस में हैं, तो ये कैंसिल आउट हो सकते हैं। सो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा x⁵। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों लाइक टर्म्स ये भी हैं, तो इनमें से देखिए माइनस करेंगे, यहाँ पे 1 है आपका, तो कांस्टेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 − 2 करेंगे तो क्या आएगा, −1 आएगा, तो −1 लिखने की जरूरत नहीं है। और इसके जो लिटरल पार्ट है उसको लिख दीजिए x⁵y। सो आपका आंसर आ जाएगा −x⁵y। नाउ द थर्ड पार्ट, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं और एक बार लिख लेते हैं, तो मिल जाएगा को 3a² प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a हो जाएगा यहाँ पर, प्लस 2×2 = 4 माइनस 3a से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा, देखिए माइनस माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, 3×2 = 6 a × a इज a² केवल हम पावर्स को ऐड कर देते हैं। ये देखिए माइनस है और यहाँ प्लस है, तो माइनस हो जाएगा, और 3×1 3 ही रहेगा, और a जो लिटरल है उसको एज इट इज़ उतार देंगे। अब यहाँ देखेंगे कि लाइक टर्म्स कौन कौन है। ओके, तो हमने एक साथ लिख लिया है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 3a² माइनस 6a², तो 3 − 6 करने पर मिलेगा −3, एंड a² जो लिटरल है उसको एज इट इज उतार देंगे, प्लस
देखिए 2a माइनस 3a, तो यहाँ पर 2 माइनस 3 करेंगे, माइनस मिलेगा माइनस 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और a जो लिटरल है उसको एज इट इज उतार देंगे, तो माइनस a हो जाएगा ये, प्लस 4. सो दिस इज योर आंसर फॉर दिस पार्ट. नाउ द फोर्थ पार्ट. सबसे पहले हम यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ भी 3x से मल्टीप्लाई कर लेंगे इस ब्रैकेट को ओपन करके. x इंटू x करने पर मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू 4x करेंगे तो प्लस 4x मिल जाएगा, प्लस 3x से 2x स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 टू 6, और x इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स क्यूब, केवल पावर को ऐड कर दीजिए. माइनस देखिए यहाँ पे प्लस साइन है, 3x का प्लस साइन है, और यहाँ पे माइनस 1 है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3 इंटू 1 3 रहेगा, और x यहाँ पर लिटरल एज इट इज उतार लेंगे, प्लस यहाँ पर कुछ नहीं करना है सारे. अब यहाँ पर लाइक टर्म्स को एक साथ कर लेंगे और डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको लिख लेंगे. सो हमने एक साथ कर लिया है लाइक टर्म्स को, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर एंड 4x स्क्वायर एंड 4x एंड माइनस 3x 6x क्यूब प्लस, यहाँ सॉल्व करिए, दोनों को ऐड करना है, दोनों का प्लस साइन है, तो 4 प्लस 1 5x स्क्वायर. यहाँ देखिए 4x माइनस 3x करना है, मीन्स माइनस 1 कर लीजिए, 4 माइनस 3 इज 1, सो प्लस एक्स प्लस 4. ठीक है, तो दिस इज योर आंसर फॉर दिस पार्ट. नाउ द फिफ्थ पार्ट. सो यहाँ पर हम ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई कर लेंगे पहले, तो यहाँ पर मिल जाएगा a इंटू बी इज ए बी, और a इंटू माइनस सी इज माइनस ए सी, माइनस बी इंटू सी इज माइनस बी सी. ठीक है, फिर माइनस बी एंड माइनस ए इज प्लस बी ए, या प्लस ए बी लिख सकते हैं आप. माइनस सी इंटू ए इज माइनस सी ए, या फिर आप ए सी भी लिख सकते हैं, तो ए सी लिखना ज़्यादा सही रहेगा, तो माइनस ए सी. फिर यहाँ देखिए माइनस सी माइनस बी इज प्लस बी सी. ओके, अब यहाँ पर लाइक टर्म्स को एक साथ कर लेंगे, और ओके तो हमने यहाँ लाइक टर्म्स को एक साथ कर लिया है, तो आप देख सकते हैं ए बी प्लस ए बी, ये दोनों का साइन सेम है, तो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, आपको मिल जाएगा 2ab माइनस ए सी, एंड माइनस ए सी दोनों का साइन सेम है, और तो दोनों को ऐड कर देंगे तो मिलेगा आपको माइनस 2ac, एंड माइनस bc प्लस bc दोनों का साइन अपोजिट है, और दोनों जो लिटरल्स हैं वो एग्जैक्टली सेम है, तो ये कट जाएंगे बिल्कुल, और जीरो हो जाएगा इसका आंसर. तो यहाँ मिलेगा 2ab माइनस 2ac. सो दिस इज योर आंसर फॉर दिस वन, दिस इज सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ दिस. सो दिस इज योर आंसर फॉर दिस पार्ट. नाउ सिक्स्थ पार्ट वी हैव. तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो देखिए a इंटू बी करेंगे आपको मिलेगा ए बी, ए इंटू माइनस सी करेंगे आपको मिलेगा माइनस ए सी, प्लस बी सी, माइनस ए बी, देखिए बी प्लस बी एंड माइनस ए माइनस ए बी, माइनस ए बी या बी ए दोनों में से कोई भी ले सकते हैं आप, बिल्कुल यहाँ पे कॉन्फिडेंट रहिए. प्लस सी ए, प्लस सी ए लिखिए या फिर ए सी लिखिए, बोथ आर सेम. ओके, एंड सी बी माइनस बी सी कर दीजिए यहाँ पर, माइनस बी सी. अब लाइक टर्म्स को एक साथ कर लेंगे. ओके, तो हमने लाइक टर्म्स को एक साथ कर लिया है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बोथ आर सेम, आप अपोजिट साइंस, यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो सकता है, माइनस ए सी एंड प्लस ए सी इज ऑफ अपोजिट साइंस, सो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी बी सी एंड माइनस बी सी है ये, प्लस माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएगा, देयरफॉर कोई भी टर्म नहीं बचा हुआ है, देयरफॉर इसका आंसर होगा जीरो. सो जीरो इज योर आंसर फॉर दिस पार्ट. नाउ द सेवेंथ पार्ट. सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, सारे ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, मल्टीप्लाई करते हुए साइन को बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे कि कहीं पर साइन का मिस्टेक ना हो. ठीक है, 4ab into a, तो केवल a का पावर रेज होगा, तो ये मिल जाएगा 4a स्क्वायर b. अब सेकेंड मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए प्लस यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा 4ab स्क्वायर, 4ab स्क्वायर माइनस, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 6a स्क्वायर b, 6a स्क्वायर b माइनस यहाँ पर है और यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6a स्क्वायर b स्क्वायर. ठीक है, a स्क्वायर और b स्क्वायर डिफरेंट लिटरल्स हैं, इसीलिए हमको एक साथ रख देंगे केवल. माइनस देखिए माइनस और प्लस, यहाँ माइनस हो जाएगा, 3 टू 6 बी स्क्वायर ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर को आप ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिख सकते हैं, तो मैं इसको अरेंज करके लिख रहा हूँ. ठीक है, तो देखिए माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर 3 ए बी स्क्वायर.
ठीक है, प्लस देखिए प्लस है यहाँ पे प्लस है तो प्लस हो जाएगा 2ab स्क्वायर, देखिए प्लस है यहाँ पे माइनस है तो माइनस हो जाएगा एंड 2a स्क्वायर b। सो यहाँ पर देखेंगे कोई कैंसिल आउट करने लायक रहेगा तो वहाँ कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ क्या 6a स्क्वायर b स्क्वायर है और यहाँ माइनस है 6a स्क्वायर b स्क्वायर, सो दीज टू टर्म्स विल बी कैंसिल्ड। अब यहाँ पर देखेंगे लाइक टर्म्स कहाँ कहाँ हैं, ठीक है, उनको एक साथ अरेंज कर लेंगे। तो हमने लाइक टर्म्स को अरेंज कर लिया है तो यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर वन बाई वन हम सॉल्व करेंगे, देखिए 4 - 6 करेंगे पहले क्या मिलेगा, -2 मिलेगा, राइट, -2। केवल हम कोफिशियंट को ही सॉल्व करते हैं हर टर्म के, तो 4 - 6 करने पर -2 मिलेगा, -2 में -2 सॉल्व करेंगे तो -2 - -2 क्या हो जाएगा, दोनों का साइन सेम है तो -4 मिलेगा, -4a स्क्वायर b, जो लिटरल है उसको एज इट इज उतार देते हैं, ठीक है। माइनस यहाँ सॉल्व करिए, देखिए -4 + 3 कितना हो जाएगा -1 एंड -1 एंड +2 +1, सो +1 लिखने की जरूरत नहीं है, ab स्क्वायर हम यहाँ पर उतार लेंगे लिटरल। सो दिस इज योर आंसर फॉर दिस पार्ट। नाउ द एर्थ पार्ट, तो सबसे पहले यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, सो क्या मिलेगा, x² × x² इज x⁴ प्लस x² × 1 इज x² माइनस देखिए x³ × x ये मिलेगा -x⁴। फिर देखिए माइनस यहाँ पर है और यहाँ प्लस साइन है तो माइनस x³ माइनस है यहाँ पर, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा x⁴। पावर्स को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, माइनस है प्लस हो जाएगा एंड x × x इज x²। सो हमने सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पर देखेंगे लाइक टर्म्स जो होंगे उनको एक साथ कर लेंगे। सो यहाँ पर हमने लाइक टर्म्स एक साथ कर लिया है तो यहाँ देख सकते हैं आप x⁴ है, यहाँ पर नेगेटिव है तो दोनों को यहाँ पर कैंसिल आउट कर लेंगे और जो बचा हुआ है इसको लिख लेंगे यहाँ पर -x⁴ -x³। तो x³ का कोई और टर्म नहीं है, यहाँ पर देखिए दोनों प्लस में है तो दोनों को ऐड कर देंगे +2x². सो दिस इज योर आंसर फॉर दिस पार्ट। नाउ द नाइन्थ पार्ट, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे 3a × 1 इज 3a, यहाँ प्लस साइन है या माइनस साइन है तो माइनस हो जाएगा, 3 × 6 एंड a × a³ इज 8⁴ प्लस a × a करेंगे तो यहाँ पर +a² हो जाएगा, +(+) इज +a हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर लाइक टर्म्स को एक साथ कर लेंगे, सो हमने लाइक टर्म्स को एक साथ कर लिया है, नाउ सॉल्व कर लेते हैं। तो ये तो ऐसे एज इट इज उतार लेंगे, -6a⁴ प्लस यहाँ देखिए 2 है और यहाँ पे 1 है तो 3 हो जाएगा, 3a² यहाँ देखिए +3a + 1 + a तो +4a। सो दिस इज योर आंसर फॉर दिस पार्ट। नाउ द टेंथ पार्ट, यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे पहले, तो ये मिलेगा आपको a² × 2a - a², ठीक है, और कहीं पर कुछ भी नहीं किया मैंने, ऐसे ही एज इट इज उतार दिया मैंने। अब यहाँ सॉल्व कर लेते हैं तो मिलेगा आपको 1² × 2a is 2a³ - a² + 3a + a³ - 8। अब ध्यान दीजिएगा 2a³ and a³ सॉल्व करेंगे मिलेगा आपको 3a³, क्योंकि दोनों का साइन प्लस है। यहाँ देखिए a² का कोई भी टर्म और दूसरा नहीं है तो a² लिखेंगे, 3a का भी कोई नहीं है तो +3a - 8। सो दिस इज योर आंसर फॉर दिस पार्ट। नाउ द 11th पार्ट, सो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे पहले, मल्टीप्लाई करने के बाद हम सॉल्व करेंगे लाइक टर्म्स को एक साथ करके। यहाँ हो जाएगा 3/2x² × x² माइनस 3/2 × x² - 1 इज -(-)3/2। अब यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं है तो 3 × 1 इज 3 और डिनोमीटर में 2 है और ये x² × x² इज x⁴ माइनस यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है +1/4 × x² × 1 इज 1/4 x⁴ +1/4 x³, ठीक है। अब यहाँ पर लाइक टर्म्स को एक साथ कर लेंगे, ओके, तो हमने लाइक टर्म्स को एक साथ कर लिया है और इनके लाइक टर्म्स नहीं थे तो हमने ऐसे ही अरेंज कर दिया डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पर हमें एलसीएम लेना होगा, तो 2, 4 एंड 4 का एलसीएम होगा 4, 4
4x to the power 4 whole upon 4 प्लस यहाँ पर एज इट इज हम उतार लेंगे, कुछ भी यहाँ पे करना नहीं है। लेकिन एक बार ध्यान रखिए यहाँ पर 4 इंटू 4 फोर वन जाए फोर, फोर वन जाए फोर यहाँ पर हो जाएगा, एक्स टू दी पावर 4 ही बचेगा बस यहाँ पर। सो हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा एक्स टू दी पावर 4 इतना। सो दिस इज आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दिस पार्ट। नाउ द 12th पार्ट। सो यहाँ पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे ब्रैकेट ओपन करके, तो हमें मिल जाएगा डायरेक्टली यहाँ पर ए स्क्वायर बी इंटू ए इज ए टू दी पावर 3, क्योंकि इसके पावर को ऐड कर देंगे और b का कुछ नहीं है तो b ऐसे रख देंगे। फिर ए स्क्वायर बी मल्टीप्लाइड बाई माइनस बी स्क्वायर इज माइनस ए स्क्वायर बी क्यूब, ए स्क्वायर बी क्यूब, देखिए b पावर 1 है यहाँ पर, b स्क्वायर में 2 है सो b क्यूब हो जाएगा, प्लस ए बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 4ab, ये मिल जाएगा आपको 4 टाइम्स a इंटू ए इज ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू बी इज बी क्यूब माइनस, देखिए ए बी स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे 2a स्क्वायर में तो आपको मिल जाएगा माइनस 2 ए क्यूब बी स्क्वायर, माइनस ए क्यूब बी मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो मिल जाएगा आपको माइनस ए क्यूब बी। अब देखिए माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा 2a क्यूब बी स्क्वायर। सो दिस इज, अब यहाँ पर क्या करेंगे कि लाइक टर्म्स को एक साथ कर लेंगे। सो हमने लाइक टर्म्स को अरेंज कर लिया है, यहाँ पर देख सकते हैं ए क्यूब बी में से यदि आप माइनस करेंगे ए क्यूब बी तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बिल्कुल जीरो आ जाएगा यहाँ पर, और ए स्क्वायर बी क्यूब माइनस में है यहाँ पर प्लस है 4 ए स्क्वायर बी क्यूब। तो यहाँ पर हम सॉल्व कर लेंगे, देखिए माइनस 1 माइनस 1 है और ये प्लस 4 है तो हो जाएगा आपका 3 ए स्क्वायर बी क्यूब। ओके नाउ माइनस, यहाँ देखिए माइनस 2 है और यहाँ पे प्लस 2 है, दोनों सेम हैं और एग्जैक्टली आपका जो लिटरल्स हैं लिटरल पार्ट जो है ए क्यूब बी स्क्वायर, यहाँ भी ए क्यूब बी स्क्वायर है सो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, जीरो आ जाएगा यहाँ पर भी। सो आपका केवल बचेगा 3 ए स्क्वायर बी क्यूब एंड दिस इज द आंसर फॉर दिस पार्ट। नाउ द 13th पार्ट। ओके तो यहाँ पर हम ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे पहले सारे फैक्टर्स से, तो यहाँ पर ए स्क्वायर बी से मल्टीप्लाई करेंगे ए क्यूब में तो मिलेगा आपको ए टू द पावर 5 बी, ठीक है पावर्स को केवल ऐड कर देते हैं हम, तो ए स्क्वायर बी मल्टीप्लाइड बाई माइनस ए इज माइनस ए क्यूब बी, फिर ए स्क्वायर बी से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो प्लस मिलेगा ए स्क्वायर बी, माइनस ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे ए टू द पावर 4 में तो मिल जाएगा आपको माइनस ए टू द पावर 5 बी, फिर देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर, फिर ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे 2 ए स्क्वायर में तो मिल जाएगा आपको 2 ए टू द पावर 3 इंटू बी, ठीक है देखिए माइनस ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2 ए में तो माइनस और प्लस हो जाएगा माइनस, एंड ए बी इंटू 2 ए इज 2 ए स्क्वायर बी, माइनस बी से मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पर मिलेगा आपको माइनस बी ए क्यूब, फिर यहाँ देखिए माइनस है यहाँ प्लस माइनस है तो प्लस हो जाएगा यहाँ पर प्लस बी ए स्क्वायर, फिर देखिए माइनस माइनस प्लस बी इंटू 1 बी, ठीक है। ओके तो हमने अरेंज कर लिया है लाइक टर्म्स को एक साथ, तो यहाँ पर ए टू द पावर 5 बी माइनस ए टू द पावर 5 बी है तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ मिल जाएगा जीरो माइनस, यहाँ ध्यान दीजिए माइनस ए क्यूब बी माइनस बी ए क्यूब दोनों सेम है तो माइनस 2 ए क्यूब बी हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस 2 ए क्यूब बी है इट मीन्स ये भी तीनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ देखिए ए स्क्वायर बी माइनस 2 ए स्क्वायर बी प्लस बी ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर बी और बी ए स्क्वायर मिलकर हो जाएंगे 2 ए स्क्वायर बी, और यहाँ पे देखिए ये 2 ए स्क्वायर बी होगा प्लस में और माइनस 2 ए स्क्वायर बी ये नेगेटिव में दिया हुआ है सो ये तीनों मिलकर के कैंसिल आउट हो जाएंगे, केवल बचेगा आपका बी, सो यहाँ पर लिख देंगे बी। सो दिस इज योर आंसर फॉर 13th पार्ट। होप के समझ में आ चुका होगा इन सारे क्वेश्चंस को देख करके। सो यदि आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो आप लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, यदि कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और यदि कोई डाउट नहीं भी है तब भी यदि आप कमेंट बॉक्स में कुछ लिखते हैं मेरे लिए तो अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।